बनवाड़ा चौराहा स्थित 10 दुकानों का निर्माण से लेकर नीलामी तक का रिकॉर्ड कराहल पंचायत से गायब। सचिव एक दूसरे पर रिकॉर्ड को दे रहे हवाला। खबर कराहल से है, जहां कराहल कस्बे में लगभग 8 साल पहले बनवाड़ा चौराहे पर पंचायत द्वारा बनाई गई 10 व्यावसायिक दुकानें अब एक रहस्य बनकर रह गई हैं। कुछ दुकानें तो बिकी पर कुछ पर कब्जा बरकरार है। बिना दुकान खरीदी ही कुछ लोग दुकानों का किराया वसूल रहे हैं, मगर कराहल पंचायत को यह पता ही नहीं है। वर्तमान सचिव अंतर सिंह यादव बोले कि एक साल से तो मैं कराहल पंचायत में पदस्थ हूँ, मुझे तो इन दुकानों का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार 10 दुकानों के निर्माण से लेकर नीलामी तक के कागजों का रिकॉर्ड कराहल पंचायत से गायब है। उस समय कराहल पंचायत में पदस्थ रहे सचिव परमाल राठौर ने इन दुकानों का निर्माण और नीलामी करवाई थी। फोन पर जब संपर्क किया तो तत्कालीन सचिव परमाल दुकानों का रिकॉर्ड सचिव जयप्रकाश शर्मा के पास होना बता रहे हैं और सचिव जयप्रकाश शर्मा दुकानों का रिकॉर्ड गिरिराज पॉलीवाल के पास होना बता रहे हैं, मगर सचिव गिरिराज पॉलीवाल का कहना है कि रिकॉर्ड परमाल राठौर के ही पास है, पंचायत में इन दुकानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दुकान संबंधी सारे दस्तावेजों को गोलमाल कर दिया गया है। बनवाड़ा चौराहे के सौंदर्यीकरण और पंचायत की राजस्व वृद्धि की दृष्टि से स्वयं रुचि लेकर तत्कालीन कलेक्टर पन्नालाल सोलंकी ने इन 10 व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करवाया था, जिसमें जिला मुख्यालय के ईंट रेता व्यवसायियों के जन सहयोग से ईंट रेता सरिया सीमेंट दुकान निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई थी। बताया जा रहा है कि जन सहयोग से प्राप्त निर्माण सामग्री का भी सचिव परमाल राठौर द्वारा पंचायत में बिल लगाकर राशि निकाली गई थी। जब इस संबंध में CEO अभिषेक त्रिवेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं जाँच करवा लेता हूँ, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले की परते कलेक्टर लोकेश जांगिड़ खोलेंगे, जो भी दोस्ती होंगे वो सामने आएंगे। देखिए फास्ट समाचार से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। सर, जो पनवाड़ा चौराहे पर दुकानें बनी गई हैं सर 10, उसकी फाइल सर पंचायत से गायब है सर, इस विषय पे आपका क्या कहना है? इस विषय में कुछ भी मैं जांच के पश्चात ही कह पाऊंगा, एक बार संबंधित सचिव से उसके दस्तावेजों को मंगवा लेते हैं, उसके पश्चात में कुछ बता पाऊंगा। एक दूसरी बात यह है कि सर, जो 10 दुकानें हैं उसमें से 6 दुकान मालिक तो कह रहे हैं कि हमने चेक दिए हैं और उसकी रिसिप्ट हमारे पास है, लेकिन 4 दुकानों पर सर अवैध रूप से ताले डाले गए, उन्हें किराए पर चलाया जा रहा है, क्या क्यों सर पंचायत इन तालों को नहीं तोड़वा रही है फिर सर? देखिए, दस्तावेज के आधार पर ही कुछ कहना उचित होगा, कितनी पंचायतों की तत्कालिक समय में नीलामी हुई थी और कितनी पर अवैध कब्जा है। अगर अवैध कब्जा है और जांच के बाद ये तथ्य सामने आते हैं तो अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। आपके ये मकान के सामने ये 10 दुकानें पंचायत ने बनाई है पनवाड़ा तिराहे पर, क्या स्थिति है इन दुकानों की? स्थिति क्या, बंदरवाट हो रहा है इन दुकानों का। ये दुकानें क्या है, पंचायत द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन इनका अभी तक ये पता नहीं है किसने कौन सी दुकान ले रखी है, क्या हो रहा है, ताले लगे हुए हैं फिर भी किराया वसूला जा रहा है लोगों से। कुछ लोगों ने शायद ग्राम पंचायत के सरपंच ने दे रखी है, अगर सेक्रेटरी ने दे रखी है दुकानें किराए से, कोई जानकारी नहीं है। जबकि एक हाँ जी, बताया जा रहा है कि ये दुकानें जो बेची गई थी या ये दुकानें जिस समय बनी थी उस समय कलेक्टर की तरफ से कुछ सहायता राशि आई थी, लेकिन पंचायत ने इनके पैसे निकाल लिया और वो जो फाइल थी वो फाइल भी पंचायत से गायब है। तो इसमें ये बताइए, जब कलेक्टर जिला कलेक्टर द्वारा ये दुकान बनवाई गई है तो फिर फाइल कैसे गायब हो गई इनकी? मैंने सुना था उस समय 19 लाख रुपये इन दुकानों के लिए आया था, बनवाई गई थी पंचायत द्वारा, और 3-3 लाख रुपए में इनको बेचा भी गया था दुकानों को, लेकिन कुछ दुकानें जो नहीं बिकी हैं उनको किराए से कौन दे रहा है, उनका किराया कौन ले रहा है, ये तो बताया जाए हमको। जनता को कोई मालूम नहीं है, सब अंदर अंदर घालमेल चल रहा है, एक मेन चौराहे पे इन दुकानों का घालमेल चल रहा है। तो क्या ये इन चीज़ों की जाँच कलेक्टर साहब को नहीं करनी चाहिए? कलेक्टर साहब को जाँच करना चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो नवागत कलेक्टर जो आए हैं सोपुर में जांगड़ जी, इनकी कार्रवाई से काफ़ी खुशी पब्लिक को ही मिल रही है, हम भी खुश हैं इनकी कार्रवाई से, ये अच्छी कार्रवाई करते हैं। अब आगे देखते हैं कलेक्टर साहब के संज्ञान में अगर ये मामला। जो पनवाड़ा तिराहे पर दुकान बनी हुई है 10 दुकानें, उनका रिकॉर्ड कहाँ पर है? अब जी हमें जानकारी नहीं है, हमारे लिए तो कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, कब से पदस्थ हैं आप यहाँ? एक वर्ष हो गई मुझे। एक वर्ष से आप हैं, आपको इस रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं? जानकारी आपको इसका रिकॉर्ड एंडोर भी नहीं किया गया? नहीं किया। कुछ बता रहे हैं लोग जो दुकानों पे जो अवैध कब्जा है, उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मेरा दुकानों में कोई ताला नहीं डला हुआ है, शायद पंचायत ने ताला डाल रखा हो, आपने ताला डाल रखा नहीं, है पंचायत का कोई ताला नहीं है। पंचायत उसका किसी से किराया तो नहीं ले रही है? नहीं, किसी से किराया नहीं ले रही। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड पंचायत में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये गोलमाल है रिकॉर्ड। अब जो आप पहले कोई रहा हो उसके पास रिकॉर्ड होगा, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है दुकानों में। दीपक जी, जो पनवाड़ा तिराहे पर जो 10 दुकानें बनी हैं उनका रिकॉर्ड पंचायत से गायब है, आज हमने ये पता किया, क्या कहते हो, क्या लग रहा है इसमें, क्या हो रहा है? क्या इस संबंध में आपने किस किस से बात की? मैंने जनपद CEO साहब से बात की, इसमें सचिव से बात की, लेकिन रिकॉर्ड का पता नहीं लग रहा है।
तो सबसे पहले तो जो आला अधिकारी हैं जनपद के, उनको इस बात का अता पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जनपदियों की घोर लापरवाही मानता हूँ इस मामले में, कि उन्होंने इस तरह उनके नाक के नीचे इस तरह के कृत्य हो रहे हैं और उन्हें अभी तक स्पष्ट मालूम नहीं कि रिकॉर्ड किसके पास है किसके पास नहीं है। तीन तीन सेक्रेटरियों का मैंने आज देखा था, मैंने फास्ट समाचार पे आपके उसमें ग्रुप में डाला था, वो तो मैंने देखा था, उसमें कोई भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहा कि मेरे पास है, जबकि कितना बड़ा कितनी बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है हमारे लिए। पता नहीं आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, जनपदियों त्रिवेदी क्या कर रहे हैं सब। और वैसे भी इस संबंध में कलेक्टर महोदय को बारीकी से जांच करनी चाहिए और जो भी आला अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए।